अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। हम बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं, ये जो भी आपने देखा जो हुआ है, यकीनन आपने देख लिया कि ये तो नहीं कि कोई यकदम गायब हो गए हों। हम बात करें अपने कॉलीग की, मतीउल्ला जान की, ये आपने देखा है नाज़रीन इस फुटेज में क्लियरली लोग आए, एक दो नहीं, पाँच छः आठ गिने नहीं जाते लोग आए, पुलिस का या कोई जैसे रेस्क्यू स्क्वाड टाइप का यूनिफॉर्म काला पहना है, उन्होंने उठाया और उसको लेके गए मतीउल्ला जान को। हमने बहुत मरतबा इस प्लेटफॉर्म से बात की और हमने कहा है कि कानून की बालादस्ती हर हाल में, हम बिल्कुल आईन और कानून के हवाले से हर चीज़ होनी चाहिए इस मुल्क के। अगर हम बैठ के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, आप हमें लेके जाएँ, आप हमें कोर्ट ले जाएँ, आप खुले आम नशर करें जहाँ हम गलत काम करते हैं, कोर्ट में लेके जाएं, एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है जो भी जिसने भी उठाया है या जाहिर आपके सामने है, और ये पहली मरतबा नहीं, हमारे और भी कॉलीग्स उठाए जाते हैं, आप उठाया के ले जाते हैं, आप उनसे जो भी करते हैं उसके बाद वापस आप भेजते हैं, उसका फ़ायदा क्या, उसका नतीजा क्या निकलता है? आप कोर्ट में लेके जाएँ, अगर आपको अगर आईन की खिलाफ वर्जी की है तो आपको कोर्ट आपके साथ खड़े होगा। आप जो भी हैं आप ये न करें, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये किसी ऐसा माशरा जिसमें आईन और कानून की बात हो, जिसमें कानून की बालादस्ती की बात हो, वहाँ ये नहीं चलता। ये एक ये कोई शराफत का काम नहीं, ये कानून के साथ चलने का काम नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। आप इस तरीके को ठीक करें, आप सारे पाकिस्तान खड़े होता है उनके साथ जो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन सही, साफ और शफाफ तरीके से करें। वी स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्ट कि मतीउल्ला जान जो हैं वो अगवा हुए हैं, उनके बेटे ने ट्वीट, आप देख रहे हैं उनके बेटे ने ट्वीट भी किया है, और हम ये कहते हैं कि आप जल्द अज जल्द